Now in today's class we'll proceed with the miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise, this is a very important exercise. First question is, a box contains 10 red marbles. कितने red marbles हैं? 10. तो ये box ले लेते हैं हम. As per question is box में कितने red marbles हैं? 10 red marbles हैं. 20 blue marbles. 20 blue marbles and 30 green marbles. 30 green marbles. इतनी बात समझ में आ रही है? 30 green marbles. अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइव मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स. देखो नॉर्मली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं कि भैया आपने एक मार्बल निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है. अब उसने ये कहा कि आपने, वो एक की बात नहीं कर रहा है, जितने हैं उसमें से भी कुछ क्वांटिटी की बात की जा रही है, यानी कि पाँच. एक की यूनिट की बात नहीं की जा रही है, एक नहीं निकाला, आपको कहा जा रहा है पाँच निकाले आपने. फिर आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू. तो फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सारे के सारे क्या हो, ब्लू हो. और सेकंड में पूछा जा रहा है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन. और फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि जो आपने मार्बल, कितने मार्बल हैं, पांच, पांचों के पांचों क्या हो आपके, ब्लू होने चाहिए. तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि 20 में से मैं कोई भी पांच निकाल सकता हूं, मानते हो फेवरेबल आउटकम. अगर मैं फेवरेबल आउटकम की बात करता हूं, फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 20 में से कोई भी पांच, ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, 20 में से कोई भी पांच, यानी 20C5. अच्छा उसके बाद देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम. अब क्या कहोगे, टोटल कितने आए हैं, 60 में से कोई भी पांच, 60C5. कोई भी पांच का मतलब भाई इन 60 में से ये वाले पांच निकल जाएंगे, तो इन 60 में से निकलेंगे ना. तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप पहले लिखोगे लेट ई बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फाइव ब्लू मार्बल्स. एग्री करते हो, ठीक है. तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, नाउ मुझे फाइंड करना है पीई फाइंड करना है. एग्री करते हो, क्योंकि ई क्या है, इवेंट किस चीज का, ऑफ ड्रॉइंग फाइव ब्लू मार्बल्स. तो पीई किसके इक्वल होगा, फेवरेबल आउटकम, इट विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. एग्री करते हो, ठीक है. अब मुझे बताओ फेवरेबल आउटकम कितना है, 20C5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 60C5. यहाँ कैलकुलेशन जहाँ बड़ी होगी वहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना लिख के आप आंसर छोड़ दोगे. समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है. उसके बाद पार्ट टू में आते हैं, पार्ट टू. तो पार्ट टू में हम लिखते हैं लेट एफ बी द इवेंट, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एटलीस्ट वन ग्रीन मार्बल. क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब मुझे बताओ जब आप पीएफ निकालोगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पीएफ, ठीक है. या फिर ऐसे नहीं कर रहा तो आप इसको ऐसे करो, अब देखो एटलीस्ट वन ग्रीन मार्बल. तो कैन आई से दैट यहां पे जो पीएफ होगा, पीएफ विल बी इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नॉन ग्रीन मार्बल. एग्री करते हो,
अगर मैं वन में से, भैया आपको पता ना किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी वन होती है, तो इवेंट का होना क्या है कि जो आप मार्बल पांच ड्रॉ कर रहे हो वो ग्रीन है, ना होना क्या है कि वो ग्रीन ना हो, तो दोनों का सम वन। तो वन में से अगर वो ग्रीन मार्बल नहीं है जो हमने ड्रॉ किया है, तो बचेगा क्या कि सारे के सारे जो प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज की होगी, ग्रीन मार्बल की। अब मुझे ये बताओ कि हमने जो पांच मार्बल ड्रॉ किए हैं वो ग्रीन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ग्रीन वाला क्या छोड़ दो, तो आपके फेवर में कितने हो गए, 30। 30 में से वो कोई भी पांच हो सकते हैं, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 1-30C5 और टोटल केस वही होगा 60C5। ये आपका इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? कॉम्बिनेशन की मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, और कब अप्लाई करते हैं ये भी समझो। जब आप 10th क्लास में यही क्वेश्चन करते थे, अगर मैं वैसा क्वेश्चन बनाऊँ तो मैं कहूँगा आपने मार्बल निकाला वो ग्रीन है, तो आप कहोगे 20/60। लेकिन मैंने एक मार्बल की बात नहीं की, जितने हैं उसमें से भी मैंने कहा 5 हो 7 हो 8 हो, तब हम कॉम्बिनेशन पर जाते हैं कि 20 में से कोई भी 5 मैं किसी भी ऑर्डर में निकाल सकता हूँ। तो 20 मार्बल में से 5 मार्बल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या, 20C5। समझा रहा? अगर एक होता तो सीधा ही क्वेश्चन होता 20/60। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, डायमंड कितने होते हैं टोटल? वेरी गुड, 13। क्या होता, नया को नया खेल लिया भाई ने गेम। स्पेड कितने होते हैं, 13। इतनी बात समझ में आ रही है? डायमंड कितने होते हैं, 13, और स्पेड कितने होते हैं, 13। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड। अब डायमंड कितने आपको ऑब्टेन करने हैं, 3, और स्पेड कितने ऑब्टेन करने हैं आपको, 1। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। अब देखो ध्यान से, let e be the event of obtaining कितने डायमंड बताए जा रहे हैं, 3, of obtaining 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। अब देखो जी, तो अगर मैं PE की बात करता हूं तो फेवरेबल आउटकम क्या, 13 में से कोई भी 3, मानते हो 13 में से कोई भी 3, तो मैं लिखूंगा 13C3। अब इन दोनों में चॉइस है, मुझे दोनों ही चाहिए, दोनों चाहिए तो प्लस लगाते थे मल्टीप्लाई, मैंने कहा था पी एंड सी और सेट से रिलेटेड है चैप्टर, तो प्लस करते थे मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई, और चॉइस में क्या करते थे प्लस। मुझे ये भी चाहिए और एक ये चाहिए, और इंटू 13C1। एग्री करते हो। अब टोटल केस बता दो क्या होगा, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, और कितने निकाले हैं, 4। हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज अ डाई हैज 2 फेसेस। अच्छा, टोटल फेस कितने होते हैं डाइज में, 6, तो पहले मैं 6 फेसेस बना लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। डाई है 6 फेसेस। आपको कहा जा रहा है जो 6 फेसेस है इसमें 2 फेस तो किसके हैं, 1 नंबर के, यानी कि 2 फेस में 1 लिखा हुआ, तो मैंने एक फेस में 1 लिखा और दूसरे में भी क्या लिखा, 1। फिर आपको कहा जा रहा है 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, तो 3 फेसेस में क्या है, 2 है, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, और एक फेस में क्या लिखा हुआ है, 3। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो आपने डाइस को थ्रो किया और वो फेस आया जिसमें 2 लिखा हुआ है। पार्ट 2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हेन यू थ्रो अ डाई यू विल गेट 1 और 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हेन वी थ्रो अ डाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट कि वो 3 नहीं होना चाहिए, वो 3 नहीं होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब मुझे सोच समझ के आंसर देना, क्या चाहिए आपको, 2, 2 के कितने फेसेस हैं, 3, 1, 2, 3, तो मेरे फेवर में कितना है, 3,
मेरे फेवर में क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3। टोटल फेस कितने हैं 6, तो एग्री करते हो 1/2, एग्री करते हो 1/2, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ 1 और 3, किस पर आ जाओ, 1 और 3 पर। 1 और 3 का मतलब 1 और 3 दोनों और आ रहे हैं, तो 1 वाले कितने फेस हैं, 1 और 1 2, और 1 3 वाला हो गया, टोटल हमारे फेवर में कितने हैं 3, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, टोटल कितने हैं 6, तो एग्री कर दो, ये भी 1/2, ये भी क्या होगा 1/2, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नोड 3 वाला छोड़ दो, अब फेवर में कितने हैं 5 और टोटल 6, बस हो गया क्वेश्चन, ले रहे हैं तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कह सकता हूं। क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकेट्स आर सोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ टिकेट्स कितनी है जी 10,000, टोटल नंबर ऑफ टिकेट्स कितनी है 10,000, एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड, तो नंबर ऑफ प्राइज टिकेट्स कितनी है टोटल 10, एग्री करते हो, इन 10,000 में से 10 ही ऐसी टिकट है जिसपे प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो अब ये भी बता दो, नंबर ऑफ विच इंप्लाइज नंबर ऑफ नॉन प्राइज टिकट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ नॉन प्राइज टिकट्स कितनी होगी, 10,000 - 10 9,990, 10,000 - 10 9,990। अब आपको क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने 1 टिकट बाय की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज विद वन टिकट, या 1 टिकट के आपने बाय की है, या ऐसे भी ले सकते हो विद बाय ऑफ वन टिकट, एग्री करते हो, यही पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि आपने 1 टिकट खरीदी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपका वो जो टिकट है उससे आपका प्राइस नहीं आएगा, तो मेरा फेवरेबल केस ये वाला हुआ या ये वाला, फेवरेबल, इसमें से मैं कोई भी खरीदूंगा तो प्राइस आ ही नहीं सकता, टोटल केस क्या है 10,000, टोटल केस क्या है 10,000, यहां रख दो, टोटल केस क्या है 10,000, ये क्लियर हो गया बात, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 999/1000, चेक कर लो जी, क्लियर है यहां तक, ठीक है। पार्ट 2 में देखो क्या कहा जा रहा है, प्रायोरिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस इफ यू बाय 2 टिकट्स, तो प्रायोरिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस, यहां पे मैं ये आपने जो ए लिखा है, चलो मैं यहां लिख देता हूं बी, प्रायोरिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस विद बाय ऑफ टू टिकट्स, आप क्या कहोगे, कर रहा हूं अभी चेक 2 मिनट को, अब क्या कहोगे 2 टिकट्स, इसमें से कोई भी 2 हो सकती है, अब फेवरेबल में क्या बोलूंगा मैं 9990C2, यस मानते हो ना, अगर यूनिट वाला होता ये तो वही है जो आप छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हो भैया, अगर 1 का हो तो एज इट इज लिखो, लेकिन अगर उसमें से भी कुछ नंबर आया था, कुछ नंबर का मतलब 1 से ज्यादा 2 है 3 या 4 है, तो हम कॉम्बिनेशन पर जाते हैं कि इसमें से कोई भी 2 टिकट्स हो सकती है, समझ आ गया। अब आप ये नहीं ले सकते क्योंकि उसने ये नहीं कहा, उसने कहा है इसमें से भी 2, तो 9990C2 और टोटल 10,000C2, ये भी एग्री करते हो, और थर्ड पार्ट क्या है, इसी में क्या आ जाएगा 10 टिकट, तो मैं यही कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस विद बाय ऑफ 10 टिकट्स, इसको हम कर देते हैं पार्ट सी, बताओ जी आप क्या करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा C10 और यहां पर क्या आ जाएगा 10, बस हो गया क्वेश्चन आपका, क्लियर है यहां तक,
ठीक है। क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, चलो जी कितने स्टूडेंट हैं टोटल? 100 स्टूडेंट्स। टू सेक्शन ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म, दो सेक्शन बने हैं, कितने कितने के बने? एक बना है आपका 40 का और एक बना है आपका 60 का। एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट है? 40 से मैं इसको क्या देता हूं, सेक्शन वन। और दूसरा जो इसमें कितने स्टूडेंट है? 60 से ये हो गया आपका सेक्शन टू। ये क्या हो गया? सेक्शन टू। ये आपने मेंशन कर दिया सारा, ठीक है जी। अब आपसे पूछा जा रहा है इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट, आप और आपका दोस्त इन 100 में से हो, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। तो ए में आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी। अब यू एंड योर फ्रेंड जब आप लिखोगे आंसर तो आप क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी दैट वी बोथ एंटर्ड इन सेम सेक्शन, वी बोथ एंटर्ड इन सेम सेक्शन। बताओ जी क्या होनी चाहिए? या तो मैं इस सेक्शन पे रहूंगा तो इसमें हम दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 40C2। या दोनों, अभी तो डिबेट, कुछ कुछ कह रहे हैं मल्टीप्लाई, कुछ कह रहे हैं प्लस। मुझे सिर्फ इतना बताओ, चॉइस है भाई, या तो आप इधर या दोनों जगह, चॉइस है ना, तो प्लस होगा। वेरी गुड, तो क्या होगा? प्लस। तो क्या होगा? प्लस। या ये, या अगर हम यहां होते हैं तो क्या हो जाएगा? 60C2। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी पहले तो सारा ऐसे मेंशन कर दोगे, ये प्रेजेंटेशन दिखा दोगे, भाई टोटल 100 स्टूडेंट है, इसमें से एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट है, दूसरे में कितने है? 60 है, सेक्शन वन सेक्शन टू। फिर आपको पूछा जा रहा है, उस पर आ जाओ। पूछा क्या जा रहा है कि हम दोनों जो है सेम, वी बोथ एंटर्ड इन द सेम सेक्शन, तो या तो इधर, अब इधर भी तो जा सकते हो, तो चॉइस है, चॉइस है तो क्या आएगा? प्लस। और टोटल कितना होगा? 100 में से C2। समझ में आ रहा है? क्लियर है तक? ठीक है। कह रहा है कि हम दोनों जो है सेम, वी बोथ एंटर्ड इन द सेम सेक्शन, तो या तो इधर, अब इधर भी तो जा सकते हो, तो चॉइस है, चॉइस है तो क्या आएगा? प्लस। और टोटल कितना होगा? 100 में से C2। समझ में आ रहा है? क्लियर है तक? ठीक है। 40C2 की वैल्यू क्या होगी? चलो 40C2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होता है फॉर्मूला NCR का, बताओ जी। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता था। तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 40 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये इजी कैलकुलेशन, जहां कैलकुलेशन है वहां मैं खुद ही बता रहा हूँ कि यहां पर आपको करना है। 40 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 38 फैक्टोरियल। तो ये देखो 38 पे जाके सीधा ही कट जाएगा। प्लस 60 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 60 माइनस 2 58 फैक्टोरियल, अपॉन में आ जाओ जी 100C2। तो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 100 माइनस 2 98 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में बताओ कहां तक एक्सपेंड करूं इसको? 40, 39, 38 अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 38 फैक्टोरियल, एग्री करते हो? प्लस 60 फैक्टोरियल में क्या होगा? 60, 59 और 58 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 58 फैक्टोरियल अपॉन में 100 को कहां तक करोगे? 100 99 इंटू 98 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 98 फैक्टोरियल, 2 इंटू 98 फैक्टोरियल। अब 38 फैक्टोरियल कैंसिल, 58 कैंसिल, 2 3 6 0, 2 2 4 0, और कुछ होगा कैंसिल? 98 पर 98 और ये 2 पर क्या हो गया आपका? 50। तो 39 2 जा, बताओ जी कितना होगा? 780। हाँ जी 780। 39 3 जा
57 1770 राइट, और 99 into 50 4950 दोनों को ऐड करो 1770 780 8 और 7 15 8 और 7 15 और 2 कितना आ गया, 2 सही आया था ना, 2550 तो ये हो गया 2550, ये हो गया 4950, 0 से 0 कैंसिल, 55 था 25, 51 जा 5, 59 जा 45, फिर आएगा 45, 59 जा 45, 31 जा 3, 37 जा 21, 33 जा 9, तो ये आपका आंसर आ गया, ये क्लियर हो गया 17/33। अब पार्ट टू में क्या पूछा जा रहा है, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, तो ये वाला केस माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे ये पूछूं अब आपसे पूछा गया यार, आपसे ये पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट वी बोथ एंटर्ड इन डिफरेंट सेक्शंस, कि मैं और मेरा दोस्त दोनों अलग अलग सेक्शन में गए, तो इसमें क्या होगा, वन में से मैं माइनस करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बोथ एंटर्ड इन सेम सेक्शन, वी बोथ एंटर्ड इन सेम सेक्शन, क्या ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। चलो जी, ये हो गया वन, ये कितना आया था 17/33, तो ये कितना हो जाएगा 33 - 17/33 कितना आएगा 13 - 7 = 6 और ये हो गया 16/33 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6 अगेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, थ्री लेटर्स आर डिक्टेटेड टू थ्री पर्सन, तो मान लेते हैं लेट थ्री लेटर्स बी L1, L2 and L3, पहले बता दूंगा समझ में आ गई, ठीक है। Three letters are dictated to three persons and an envelope is addressed to each of them. तो तीन envelope भी हो गए. And let three envelopes be E1, E2 and E3. E1, E2 and E3. ये clear होगी बात, ठीक है? Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. Find the probability that at least one letter in its proper envelope. देखो भी, ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3. At least one का मतलब क्या होता है? Minimum one से लेके maximum तीनों तक, यानी कि आपको ये find करना है कि तीनों के तीनों letter जो है वो अपने envelope में गए हैं, यानी कि L1 E1 में गया, L2 E2 में गया और L3 E3 में, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज ठीक है, ऑफ पुटिंग लेटर्स इन करेक्ट एनवेलप्स कि लेटर को आप करेक्ट एनवेलप में डालते हो, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगी, भैया तीन लेटर ऑर्डर मैटर करता है ना, जैसे कि अगर मैं पहले, हो सकता है कि पहले L1 को मैं E1 पर डालूं, L2 को E2 में, L3 को E3 में, ये भी तो हो सकता है कि पहले मैं L2 को E2 में डालूं, फिर L3 को डालूं, फिर L1 को, ये भी हो सकता है पहले ये आ जाए, तो वेज यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, तीन लेटर तीन एनवेलप तो क्या होगा 3 factorial या 3p3 3p3 का मतलब 3 factorial, 3 factorial का मतलब 3 into 2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है ऑफ पुटिंग दिस लेटर इन द करेक्ट एनवेलप इज 6 वेज, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि आप एटलीस्ट वन ऑफ देम इन इट्स करेक्ट एनवेलप, तो क्या मैं इसको ऐसे फाइंड कर सकता हूं, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग
एटलीस्ट वन लेटर इन इट्स करेक्ट एनवेलप, इन इट्स करेक्ट एनवेलप इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग नन ऑफ द लेटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग नन ऑफ द लेटर, नन ऑफ द लेटर्स इन करेक्ट एनवेलप, इन करेक्ट एनवेलप्स। बताओ जी, क्या आप इसी से एग्री करते हो कि अगर मैं एक में से वो वाला केस सारे माइनस कर दूं कि कोई भी लेटर जो है आपके करेक्ट एनवेलप में नहीं जाएगा तो एटलीस्ट वन वाला केस अपने आप ही आ जाएगा, तो सारे केस ही आ जाएंगे कि बाकी के सारे लेटर जो है आपके करेक्ट एनवेलप में गए। अब देखो, नाउ टोटल नंबर ऑफ वेस ऑफ नॉट पुटिंग L1, L2 एंड L3 इन देयर रिस्पेक्टिव एनवेलप। अब हम ये देखेंगे कि L1 अपने एनवेलप में नहीं जाए, इसके कितने वेज है। छोरा यहाँ पे देखो, L1 को अगर मैं L2 में E1 की जगह इन दोनों में किसी में भी डाल दूँ तो टू वेज, तो L1 के कितने वेज आ रहे हैं, टू वेज। ये एग्री कर दो, L1 के कितने वेज आ रहे हैं, टू वेज। L2 के कितने वेज हो सकते हैं, L2 इसमें नहीं जाना चाहिए आपके हिसाब से, दो होंगे, कौन कौन से, E1 और E3। अब मेरी बात सुनो, L1 E2 में चला गया या E3 में जा सकता है, होगी ना बात। आप कह रहे हो L2 E1 में भी जा सकता है, बात तो सही है। अब मेरी बात बताओ, अगर L2 E1 में चला गया तो ये तो फिर इसमें चला गया, L2 सिर्फ और सिर्फ E3 पे ही जा सकता है, L2 सिर्फ, क्योंकि जो भी केस बनेगा इसके साथ ही तो जुड़ेगा, इसके इन दोनों केसेस के बाद अब क्या बचता है कि L2 सिर्फ और सिर्फ किस में जाना चाहिए, E3 में। समझ आ गया, L1 के जो दो वेज है वो क्या है कि L1 या तो किस में चला जाए E2 में, या L1 को आप डाल दो E3 में। जब मैं L2 की बात कर रहा हूं, L2 का एक ही वे बनता है कि L2 को हम किस में डालें, L2 को किस में डालें हम, E3 में। L2 को हम किस में डालें, E3 में। ये बात समझ में आ रही है, तो अब L3 के लिए क्या बनता है, वन वे। L3 के लिए क्या बनता है, वन वे। तो वन वे वो क्या है कि L3 को हम किस में डालें, E1 में। ये आपके केसेस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ वेज को प्लस करते हैं मल्टीप्लाई बाय FPC, मल्टीप्लाई करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगेन PNC आ गया, क्या होगा, 2 × 1 × 1, तो 2 × 1 × 1 तो कितने वेज आ गए, टू वेज आ गए। तो अगर मैं अब यहां आता हूं, ठीक है, देयरफॉर अब इसको अब ये वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसी को लिखते हैं। अब नाउ कहां पे लिखूं, ये लिख देते हैं, अब देखो ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी इसको आप ले लो इक्वेशन वन। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन जो ये मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द लेटर इन करेक्ट एनवेलप। पहले इसको यहां निकाल ही लेते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ लेटर इन करेक्ट एनवेलप किसके इक्वल होना चाहिए, बताओ जी। फेवरेबल केस क्या है दो। टोटल केसेस कितने हैं, सिक्स
टोटल तो सिक्स है, स्टार्टिंग में निकाल दिए थे, तो टू बाय सिक्स, तो वन माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई टू बाय सिक्स, तो आंसर क्या होना चाहिए फोर बाय सिक्स विच इज इक्वल टू टू बाय थ्री, विच इज इक्वल टू टू बाय थ्री। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका नॉर्मल इलेवन क्लास का क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। मैक्सिमम अगर आप बुक्स में जाओगे तो आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा क्या कर रखा है, तो बेस्ट पॉसिबल वे रहता है वो यही रहता है कि आप पहले इसको इस तरह से फाइंड करो, अगर ये चीज इसको डायरेक्टली तो करना ही नहीं है आपको, इसको अपोजिट एंड पे जाना है। समझ में आया आपको, दोबारा बताओ, समझ में आ गया? मेन चीज क्या है, ये वाला पॉइंट L2 जो है वो E1 पे नहीं जा सकता, L2 अगर E1 पे चला फिर L3 बच गया, समझ में आ गया, फिर L3 तो E3 में चला गया, हम तो कह रहे कोई भी नहीं जाना चाहिए, तो इसके पास भी यही वे है, कौन सा कि L2 किस में जा सकता है E3 में, इसके बाद भी फिर एक ही वे बचता है। अब इस पे ये सारे वेज के साथ अगर आप जाओ तो कोई भी लेटर जो है अपने रिस्पेक्टिव एनवेलप में नहीं जाएगा, तो बस ये वाला केस आप माइनस कर दो तो एटलीस्ट वन लेटर इन इट्स करेक्ट एनवेलप, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेवन इज इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इज इक्वल टू 0.54। सेवन क्वेश्चन, पी ऑफ ए कितना है 0.54, पी ऑफ बी, पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 0.69, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू कितनी है 0.35, इसकी वैल्यू कितनी है 0.35। पानी क्लियर है? ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है पी ऑफ ए यूनियन बी, सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, पार्ट थ्री में क्या फाइंड करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी, और पार्ट फोर में क्या फाइंड करना है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन नॉट ए, ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो जब आप फर्स्ट पार्ट करोगे तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, बताओ जी क्या आंसर आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए कितना है 0.54, पी ऑफ बी 0.69, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.35, क्या है 0.35, की बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों को ऐड कर दो 0.69 0.54, 9 और 4 कितना 13, 7 और 5 कितना 12, ये हो गया 1.23, गुड, 1.23 से 0.35 निकाल दो कितना आएगा 0.88, तो क्या एग्री कर दो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा 0.88, हो गया फर्स्ट पार्ट, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.88, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ 0.88। चलो जी अब आ जाओ जी पार्ट टू में, पार्ट टू में क्या फाइंड करना है आपको पी ऑफ, अब इसमें कौन सा लॉ यूज करेंगे हम, पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, 14.2 में डिस्कस हुआ था, ये किसके इक्वल होगा पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, एंड इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, अभी निकाला कितना है 1 माइनस 0.88, तो कितना होगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, तो 0.12, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.12। क्लियर है? इसका आंसर कितना आ गया 0.12। फिर हम आते हैं पार्ट थ्री में, पार्ट थ्री में क्या फाइंड करना है आपको, पार्ट थ्री में फाइंड करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी, ये कैसे बताया था, कैसे फाइंड किया जाता है, ये कैसे फाइंड किया जाता है, पी ऑफ ए में से नॉट ए का मतलब क्या बताया था, अगर ये नॉट है तो पी ऑफ ए, वेन डायग्राम अपने माइंड में रखो, आपको सिर्फ ए चाहिए, तो उसमें से इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो माइनस करोगे नहीं करोगे, समझ आ रहा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी, बी नहीं होना चाहिए, बी नॉट बी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, नॉट बी वाला,
तो पी में से पी ऑफ ए में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी माइनस करोगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट है ना, बी अरे हाँ नहीं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करोगे, ठीक है जी। तो पी ऑफ ए कितना हो गया 0. नॉट बी का मतलब समझ रहे हो, ए में जो बी वाला पार्ट है वो हटाना है, तो ए में बी वाला पार्ट वही होता है जो उनका इंटरसेक्शन होता है, तो 0.54 माइनस 0.35 बताना जी, 14 माइनस 5 0.19 ये आपका आंसर होगा, ये आएगा ना देखो 14 माइनस 5 9 4 माइनस 3 पर, तो ये भी हो गया 0.19। अब ये आप खुद ही बता दो, यहाँ B है यहाँ A है, तो क्या लिखूँ, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B कितना है 0.69। अब ये कितना आएगा ये भी बता दो, 9 माइनस 5 4 6 माइनस 3 3 आएगा 0.34, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company। देखो आपको 5% दिए गए हैं, ठीक है, कुछ इसमें से आप देखो मेल है कुछ क्या है फीमेल है। पर्टिकुलर जो 5% आ रहे हैं फॉलो, जो आपको पूरा ये लिस्ट गिवन है, फिर आपको कहा गया जरा पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज ए स्पोक पर्सन। तो मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट पर्सन इज अ That person is a, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, a person is selected at random from this group to act as a spokesperson, what is the probability that the spokesperson will be either male or over 35 years। अब देखो दो चीजें बताई जा रही है, एक तो वो मेल होना चाहिए और साथ में कंडीशन क्या है कि उसकी एज 35 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो इवेंट है वो मानते हैं that person is a male, तो that will be the event that person, या इसको आप लिखो spokesperson, क्या स्पोक पर्सन इज अ मेल, एग्री करते हो, तो बस मुझे ये बता दो तो पी ओ फी क्या होगा आपके हिसाब से, इसमें से जितने भी ये लिस्ट गिवन है इसमें से मेल सेलेक्ट करो तो कितने मेल हैं, 3, टोटल कितने हैं 5, तो मान लेते हो कि पर्सन मेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5। अब नेक्स्ट इवेंट पर आओ, वो कह रहा है कि वो पर्सन जो है जो भी आप मेल है वो 35 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, तो सेकेंड इवेंट लेट एफ बी ए इवेंट, लेट एफ बी द इवेंट दैट स्पोक पर्सन, दैट स्पोक पर्सन जो है स्पोक्स पर्सन, दैट स्पोक्स पर्सन इज ओवर, कितनी एज बता रहे हैं, इज ओवर 35 ईयर्स, इज ओवर 35 ईयर्स, तो बताओ जी पी ऑफ एफ क्या होगा, कितने स्पोक पर्सन 35 से ऊपर है, 1/5 है। मेरे को तो दो दिखाई दे रहे, एक शीतल मैडम दिखाई दे रहे, एक सलीम भाई दिखाई दे रहे, अच्छा नहीं, अच्छा तो है ही सर, आप भी अपनी तरफ से अच्छा बताओ ना, 2/5 जी, जितना बोला है इसमें मेल को मत डालो, वो तो आपसे पूछा जा रहा है। अब आप मुझे बताओ मेल और ओवर 35 ईयर दोनों इवेंट को जोड़ के क्या आएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा जा रहा है आपसे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो क्या होगी, और का मतलब क्या था, यूनियन, तो आप एग्री कर दो, आपसे पूछा जा रहा है पी ऑफ ई यूनियन एफ, और का मतलब तो यही हुआ, इसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ। तो मुझे ये बताओ अगर मैं आपको कहूँ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो इसका मतलब क्या आपको निकालना है, क्या कि स्पोक्स पर्सन इज मेल एंड ओवर 35 ईयर्स, यही तो हुआ इसका इंटरसेक्शन। अब ऐसे कितने मेल है जरा बताओ जो 35 ईयर्स से ऊपर है, 1, तो 1/5, अब ये निकाल सकते हो आप, अब ये निकाल सकते हैं हम। नाउ पी ऑफ ई यूनियन एफ बताओ जी फॉर्मूला क्या, पी ऑफ ई क्या हो आप लोग, तुम नहीं हो आप लोग, चलो सर अपने आप को पढ़ाते रहेंगे,
चले हम चैनल पे तो मिली, चैनल पे तो मिल ही जाएगा सर की दरिया दिली की दाद देनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान मैच है, नहीं अफगानिस्तान का मैच है, सर ने कहा जाओ तुम देखो, मैं खुद को ही पढ़ाता हूँ। चलो भाई ये वाले खतरनाक है। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब पी ऑफ ई कितना है? 3/5। पी ऑफ एफ कितना है? 2/5। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/5। 3 + 2 = 5, 5 - 1 = 4। तो कितना आ जाएगा जी? 4/5। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैं एक्सरसाइज भी नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। डबल स्टार लगा दिए तो स्टैंप लग गई कि आपके टेस्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इफ 4 digit number > 5000। देखो जी, नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए? 4 digit का। और क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 5000। एग्री करते हो? 4 digit का नंबर और 5000 से क्या होना चाहिए? बड़ा। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है आपको? 4 digit number > 5 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5 and 7। गिवन डिजिट्स आर क्या क्या है? 0, 1, 3, 5 and 7। तो टोटल डिजिट्स कितनी आए? 5। ठीक है, आपको इतनी चीज तो समझ में आ रही है कि हमें 4 digit का नंबर बनाना है जो 5000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, अब इसमें दो केसेस गिवन है। केस वन यानी कि फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड, डिविजिबल बाय 5 एंड डिजिट्स आर रिपीटेड। ये आपको फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है, डिजिट्स आर रिपीटेड। तो क्या कहा जा रहा है आपको? अब पूरा सम अप करो, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है? 4 digit का नंबर बनाओ जो 5000 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। पहले तो 4 digit का नंबर 5000 से बड़ा और 5 से डिविजिबल, और कंडीशन क्या दे दी है कि डिजिट्स रिपीट हो सकती है। मुद्दे की बात यह है, मेन बात आपको जो समझनी है, देखो ये 4 digits है। कितनी है? 4 digits का नंबर 5000 से बड़ा कब हो सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि 1000 place पर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या 0 आ सकता है? 0 आते तो 4 digit ही नहीं बनेगी। 1 आएगा तो 5000 से ऊपर कैसे हो सकता है? 3 भी नहीं आ सकता, 5 आ सकता है, क्योंकि 5 आएगा उसके आगे कुछ भी लिखूंगा वो 5000 से बड़ा हो सकता है, और 7 भी आ सकता है। तो यहाँ पे दो सीरीज बनेंगी ऐसी, एक 5 वाली और एक 7 वाली। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ 4 digits > greater than। अब इसके दो पार्ट्स बन गए, कितने पार्ट्स बन गए? दो। ग्रेटर देन 5000, इसमें पार्ट ए क्या हो गया? व्हेन नंबर स्टार्ट्स विद 5, या व्हेन 1000 प्लेस डिजिट इज 5, व्हेन थाउजेंड्स प्लेस डिजिट इज 5। क्या लिखूं? नंबर स्टार्ट्स विद 5 ठीक है या 1000 प्लेस ज्यादा ठीक लग रहा है आपको? स्टार्ट्स विद 5 या 1000 ठीक है? एंड 1000 प्लेस डिजिट इज, यानी कि जो 1000 प्लेस वाली डिजिट है वो क्या है? 5। पहले तो ये कर लेते हैं। अब देखो जी, एक नंबर तो फिक्स हो गया इस केस में, इसको छोड़ दो, बाकी कितने रह गए? 4। रिपीटेशन अलाउड है, 4 में से कोई भी नंबर यहां आ सकता है, 4 में से कोई भी नंबर यहां आ सकता है, 4 में से कोई भी नंबर यहां आ सकता है। मानते हो आ सकता है? अब बोलो क्या करूं तुम्हारा इलाज? रिपीटेशन अलाउड है तो बोलो ना सर, पांचों में से कोई भी, देखो रिपीटेशन अलाउड है तो 5 में से कोई भी एक नंबर यहां आ सकता है। मानते हो यहां तो 5 ही आ सकता है, यहां तो 1 वे है। इन पांचों में से कोई भी डिजिट यहां आ सकती है, इन पांचों में से कोई भी डिजिट यहां आ सकती है। तो ये हो गया 5 × 5 × 5, तो कितने वेज हो गए? 125 वेज। यानी कितने नंबर आप बना सकते हैं ना। लेकिन अब एक केस वो देखो, जब यहां पे 0 है
यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, तो क्या 5000 5000 से बड़ा हुआ? नहीं ना। बट वन नंबर इज वन नंबर इन दिस केस, इन दिस केस इज 5000। इस केस में वन नंबर क्या होगा? 5000। समझ आ गया? देयरफोर टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट्स, ऑफ फोर डिजिट्स, तो बताओ जी कितने होने चाहिए? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन 5000 इज क्या होंगे वो? 125 माइनस 1 या इक्वल टू, इक्वल टू कितने होंगे? 124। अब आ जाओ जी केस बी। केस बी में क्या होगा? जब ये 1000 प्लेस डिजिट है, व्हेन 1000, व्हेन 1000 प्लेस डिजिट इज 7, व्हेन 1000 प्लेस डिजिट इज 7, जो डिजिट 1000 प्लेस में है वो क्या हो? 7 हो। व्हेन 1000 प्लेस डिजिट इज 7, देन टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट greater than 5000 equal to कितनी बनेगी? पांच में से कोई भी यहां आ सकता है, पांच में से कोई भी यहां आ सकता है, पांच में से कोई भी यहां आ सकता है, तो ये हो गया जी 125। ये कितना हो गया आपका? 125। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप ये बताओ, देयरफोर टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट्स ग्रेटर देन, टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट्स ग्रेटर देन 5000 इक्वल टू क्या होगा? 124 प्लस 125 कितना हो गया? 249। 249 ये तो मेरा आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट्स ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय फाइव। तो इसमें भी दो केसेस आएंगे, इसमें भी क्या आएंगे? दो केसेस आएंगे। पहला केस व्हेन 1000 प्लेस इज 5, 1000 प्लेस डिजिट इज 5, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1000 प्लेस डिजिट की जगह 5। अब बताओ जी 5 से डिविजिबल है, 5 से क्या है? डिविजिबल है, ग्रेटर देन 4 डिजिट 5000 से बड़ा तभी हो सकता है जब 1000 प्लेस में या तो 5 का केस हो या 7 का केस हो, तो यहाँ 5 आ गया। लेकिन 5 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर 0 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, तो यहाँ के लिए आपके पास दो ही वेज है। अब रिपीटेशन अलाउड है, यहां तो पांचों में से कोई भी आ सकता है, जो वेज है उनको मैं सर्कल कर रहा हूं, टू वेज 5 वेज और क्या हो गया? 5 वेज, टू वेज 5 वेज 5 वेज, तो ये कितना हो गया? ये तो 1 वे है, यहां पर जो वे है वो कितना है? 1, तो 1 को तो छोड़ दो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 × 5 × 2 कितना हो गया जी? 50। कितना हो गया? 50। ये गाने क्लियर है? कितना हो गया? 50। चलो आगे। ठीक है, अब आ जाओ जी केस बी में। अब इसमें आप देखो एक केस कौन सा होगा, अगेन 5000 वाला। इन अबव केस वन डिजिट विल बी 5000, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट्स
टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट ग्रेटर देन 5000 एंड ग्रेटर देन 5000 डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। ये वाला केस माइनस कर दो तो कितना आ गया 49। लेकिन अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूं, व्हेन 1000 प्लेस डिजिट इज व्हाट 7, 1000 प्लेस डिजिट इज 7। अब क्या होगा देखो 1 2 3 4, यहां तो भैया 7 ही आएगा, यहां तो 7 ही आएगा। और यहां भी आपको क्लियर है कि डिविजिबल बाय 5, 0 और 5 दो ही वेज होंगे, तो यहां पे मैंने वेज लिखे, वेज ये सर्कल नहीं है, 7 ही है, यानी कि यहां पे जो वेज है वो कितना है 1, तो यहां पे सिर्फ 7 नंबर ही आ सकता है, ठीक है, एक ही नंबर आ सकता है। अब बाकी 5 में से कोई भी यहां डाल दो, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है आपको, तो कितना हो जाएगा यहां पे 5 × 5 × 2, तो ये हो गया 50। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज फेवरेबल आउटकम, क्या फेवरेबल आउटकम, यानी कि 5000 से बड़ी चार नंबर की डिजिट और डिविजिबल बाय 5, तो क्या होगा 49 प्लस 50, तो कितना हो गया 9 और 999 हो गया ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 9 बाय 249, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, तो ये आपका आंसर होगा 33/83। क्लियर हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, अब सेकंड वाला आपसे पूछूंगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, व्हेन 1000 डिजिट इज 5, केस तो क्लियर है ना आपको, 4 डिजिट से बड़ा 1000 डिजिट क्या है, 4 डिजिट से बड़ा होना चाहिए और डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो पहला हम उठा रहे हैं, व्हेन 1000 डिजिट इज 5, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स फॉर्म्ड greater than 5000 and, अभी तो 5000 वाला निकालो, ठीक है, with no repetition, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब बताओ जी, यहां मैंने बना दिया, अब एक चीज तो क्लियर है, यहां 5 आएगा, यहां क्या आएगा 5, अब टोटल डिजिट है 5, टोटल डिजिट क्या है 5, एक तो यहां आगे बची 4, 4 3 2, बाकी कितनी बची 3, यहां पे 2, अब यहां पे 5000 वाला तो केस ही नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो क्या मैं इसको सीधा नहीं कर सकता, व्हेन 1000 डिजिट इज 5 और 7, एक साथ कर लेते हैं, तो भैया 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, तो यहां पर कितने वेज हो गए 2 वेज, यहां पर कितने वेज है 4, 3 2, यहां पे 2 हैं, यहां पे 5 आ जाएगा या 7 आ जाएगा, 5 या 7 कह रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि एक 5 वाला केस हो गया, एक 7 वाला, यहां पर क्या हो गया 5 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, तो एक ही आएगा ना यहां पे, जो एक यहां पर आ जाएगा, फिर डिजिट तो 4 ही बची, फिर कितनी बची 3 और फिर कितनी बची 2, तो 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48, तो एक साथ ही हो गया, समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या निकालोगे जी, टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट्स ग्रेटर देन क्या 5000, ग्रेटर देन 5000 विद नो रिपीटिशन
विद नो रिपीटिशन एंड डिविजिबल बाय फाइव। समझ आ रही बात? अब इसमें अब एक साथ नहीं करोगे, ठीक है? पहले फाइव को पकड़ लो। तो पहला केस क्या, थाउजेंड डिजिट इज फाइव, थाउजेंड डिजिट इज फाइव, ये ले लो थाउजेंड डिजिट फाइव, वन टू थ्री फोर। अब देखो जी, यहां पर आ सकता है जीरो या पांच, वैसे डिविजिबिलिटी के लिए, वैसे डिविजिबिलिटी के लिए यहां पे क्या आ सकता है, जीरो या पांच, लेकिन पांच तो फिक्स हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो केस बनता है सिर्फ जीरो वाला, केस बनता है सिर्फ जीरो वाला। तो एक डिजिट यहां फिक्स होगी, एक डिजिट यहां फिक्स होगी, तो बची कितनी, तीन। तो तीन वेज दो वेज, तो ये हो गया जी तीन इंटू दो छ, हो गया पार्ट बी। थाउजेंड डिजिट इज, थाउजेंड डिजिट इज सेवन, थाउजेंड डिजिट इज सेवन। समझ आ रहा है? तो क्या होगा जी, वन टू थ्री फोर, यहां सेवन आ गया, एक नंबर फिक्स। लेकिन यहां पर अब जीरो भी आ सकता है और पांच भी आ सकता है, तो यहां के लिए वेज हो गए टू, समझ आ गया? अब एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, जीरो और फाइव, यानी कि यहां पे दो में से कोई एक ही आएगा ना, तो डिजिट कितनी बची, मतलब दो नंबर यहां के लिए हो गए, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा, एक डिजिट यहां आ जाएगा, अगर यहां पे जीरो आएगा तो दो नंबर फिक्स हो जाएंगे, तो बचे तीन, यहां पर हो गया तीन और यहां पर कितना हो गया टू, एग्री करते हो? तो यहां पर कितना हो गया, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, बोलो भाई क्लियर हो गया? समझ आ रहा है? ठीक है, अब बता दो, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, सिक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू एटीन, सिक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू एटीन, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम क्या है 18, टोटल आउटकम क्या था 48, किस पर जाएगा जी, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, चेक करो जी, तो 3 बाय 8 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है? बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जब रिपीटेशन वाली बात आएगी तो आपको 5000 वाला केस माइंड में रखना है, क्योंकि इसमें 000 आ जाएगी, लेकिन जब नॉन रिपीटेशन वाला आएगा तो आप डायरेक्टली इसको एक साथ ही कर सकते हो, टोटल आउटकम वाला केस। क्लियर हो गया? नंबर 10 है, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज फोर व्हील्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो नंबर लॉक कितने व्हील्स है, फोर, जैसे देखा ना आपने ऐसी तरह से व्हील, जैसे कि मान लो ये व्हील वन है, ये व्हील टू है, ये व्हील थ्री है और ये व्हील फोर है, एक नंबर लॉक है जिसमें कितने व्हील्स है, फोर व्हील्स है। इज लेबल्ड विद अ 10 डिजिट, 10 डिजिट क्या है, जीरो से लेके नाइन तक, यानी कि आपको एक आ जा रहा है यहाँ पे भी जीरो से लेके नाइन तक कोई भी डिजिट आ सकती है, यहाँ पे भी जीरो से लेके नाइन तक कोई भी डिजिट आ सकती है, इसी तरह से इस व्हील में भी जीरो से लेके नाइन तक और यहाँ पे भी, यानी कि सभी व्हील्स में 10 डिजिट्स हैं टोटल, सभी व्हील्स में क्या है 10 डिजिट। जैसे जैसे आप रोटेट करते जाओगे डिजिट चेंज होती जाएगी, आपने देखा होगा सूटकेस में जो होता है, सॉरी। द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ फोर डिजिट विद नो रिपीट, विद नो रिपीट, यानी कि यहाँ पे रिपीटिशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि रिपीटिशन नहीं है, यानी कि सारी की सारी जो डिजिट्स है वो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, अगर यहाँ जीरो आ गया फिर यहाँ जीरो नहीं आ सकता। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि इस लॉक को खोलने का फेवरेबल आउटकम जो होगा वो कितने होंगे, बताओ जी। वन, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल वो है आपका 9541, ये लॉक है 9541, यानी कि फर्स्ट व्हील में 9 होना चाहिए, सेकंड में 5 होना चाहिए, 4 और 1 तभी ये लॉक खुल सकता है, सॉरी तभी ये लॉक आपका खुल सकता है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि यहां पर आप कितने ऐसे लॉक
फोर डिजिट के मतलब नंबर बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो क्या कहोगे? यहाँ रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, यहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो या तो आप इसमें देखो करने के दो मेथड है, या तो आप डायरेक्टली कहो 10P4 और बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर आप करते हो तो फर्स्ट व्हील में 10 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। अब जो डिजिट यहाँ की वो रिपीट तो हो नहीं सकती, तो सेकंड प्लेस में यानी कि सेकंड व्हील में 9 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है, थर्ड प्लेस में बाकी की जो डिजिट बचती है वहां से कोई भी एक डिजिट आ सकती है, और लास्ट प्लेस में बाकी की जो डिजिट बची है उसमें से कोई भी एक डिजिट हो सकती है। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, और अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो क्या होगा, 10 9 8 7, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा जी, 6 फैक्टोरियल, और यहां भी यही है आपका 10 9 8 7, तो देखो दोनों सेम वैल्यू है, सॉल्व करके क्या आएगा 5040। इसका मतलब ये हुआ विद द गिवन कंडीशन हम फोर डिजिट के ऐसे 5040 नंबर बना सकते हैं, लेकिन क्या सभी से लॉ खुल जाएगा? लॉ खुलने का तो एक ही नंबर है, वो ये वाला सीक्वेंस 954 पर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू ओपन सूटकेस, या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सीक्वेंस कितनी डिजिट का सीक्वेंस होगा, ऑफ फोर डिजिट्स टू ओपन सूटकेस, तो क्या होगा जी, फेवरेबल आउटकम कितना, ये एक ही होगा वो तो जो हमारे फेवर में, और टोटल कितना 5040। तो इस सूटकेस को ओपन करने की जो प्रोबेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन कंडीशन वो क्या है आपकी 1/5040। देर हो गया क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.